देश को टोल मुक्त किए जाने और डीजल के दामों को घटाने सहित कुल 5 सूत्रीय मांग को लेकर गोरखपुर ट्रक ऑपरेटर एसोसिएशन के सदस्य पिछले 5 दिनों से अपने ट्रकों का चक्का जाम कर हड़ताल के मार्ग को अपनाए हुए हैं। अपनी मांगों को लेकर एसोसिएशन के सदस्य सोमवार को केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ला के आवास पर उन्हें ज्ञापन सौंपने पहुंचे, लेकिन केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री की अनुपस्थिति में हड़ताली एसोसिएशन के सदस्य कैबिनेट केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री के घर के मुख द्वार को घेर कर धरने पर बैठ गए। इस दौरान हड़ताली एसोसिएशन के सदस्यों ने जमकर नारेबाजी भी की। इस दौरान एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री प्रकाश पांडे, महामंत्री अशोक यादव, संगठन मंत्री परमेश्वर यादव, नवनाथ यादव, रंजन तिवारी और गिरीश यादव सहित एसोसिएशन के कई पदाधिकारी मौजूद रहे। आपको बताते चलें कि एसोसिएशन ने टोल मुक्त भारत बनाने, थर्ड पार्टी का बीमा बंद किए जाने, डीजल के दाम घटाने, पुराना इनकम टैक्स स्लैब लागू किए जाने सहित कुल 5 सूत्रीय मांग की है, जिसको लेकर एसोसिएशन के लोगों ने सरकार को पहले से ही आंदोलन की चेतावनी दी थी। बताते चलें कि एसोसिएशन के इस निर्णय के बाद से गोरखपुर में लगभग 7,000 ट्रकों का चक्का थम गया है। मांगे पूरी होने तक अब तक गोरखपुर में 7,000 ट्रकों में लोडिंग का काम नहीं हो रहा है। गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री प्रकाश पांडे ने कहा, महोदय को ज्ञापन देने आए, संजोग से वो है नहीं। हम लोग यहाँ उनके घर का आवास का घेराव किए हुए हैं। हमारी मांगे जब तक नहीं मानी जाती, हम केंद्र सरकार से अपील करते हैं कि उसको तत्काल मांग ली जाए। और नितिन गडकरी से निवेदन है कि हमारी जो 5 सूत्री मांगे हैं उसको तुरंत मांगा जाए, जनहित को ध्यान में रखते हुए। आज 5वां दिन हड़ताल जारी है। आगे आने वाले समय में हम कच्चे माल, जैसे सब्जी हुआ, फल हुआ, दूध हुआ, पेट्रोलियम प्रोडक्ट हुआ, सब अपने साथ लाने जा रहे हैं। और आंदोलन और तेज होगा, जिससे हम जनता को तकलीफ होगी उसकी पूरी जिम्मेदारी केंद्र गवर्नमेंट की होगी। आपकी इस हड़ताल से सरकार को नुकसान हो रहा है, आप लोगों को भी नुकसान हो रहा है, खासतौर से आम जनता भी इससे भुगत रही है। आंदोलन हमारा अनिश्चितकालीन है, जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती ये आंदोलन जारी रहेगा। इसके जो भी परेशानी हो रही जनता, आम जनता को, केंद्र सरकार इसके लिए जिम्मेदार है। हमारी मुख्य मांग है कि टोल फ्री किया जाए, डीजल की वृद्धि जो हुई है उसको कम किया जाए, इनकम टैक्स का स्लैब कम किया जाए, जो थर्ड पार्टी बीमा प्रीमियम है उसको कम किया जाए, जो ईविल हमारे पे बी पार्ट लगता है ट्रांसपोर्टर, उसको समाप्त किया जाए। ये 4-5 हमारी मुख्य मांगे हैं। इनको जब तक सरकार नहीं हटाएगी तब तक हम आंदोलन, अनिश्चितकालीन चक्का जाम आंदोलन करते रहेंगे।